कर दो भाई, आज का शुरू कर दो। यस, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट। 10:30 हो गया, 11 o'clock रैप अप। हाँ, देखते अब पिंग भी कर दे। तो फिर टॉपिक थोड़ा ऐसे लेना था ना तेरे को, जैसे लाइक वो टाइटैनिक सबमरीन वाला। वो तो 2 मिनट में रैप अप हो जाता। कोई नहीं, रील्स भी बना देते उसका डायरेक्ट। तो बॉयज एंड एक पे नहीं रुका जाएगा भाई, इसका 2 सेकंड बाद पता चलता है। मित्रों से स्टार्ट करना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने अपनी स्क्रीन पे तेरे बॉयज एंड गर्ल्स से पहले बोला था। भाई मैं ये नहीं देख सकता भाई, सरदार दिख नहीं रहा होगा, ऐसे से आवाज आ रही है मेरे कान में। राम 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 राम। ठीक है, अब चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अगले 5 सेकंड कोई कुछ बोलना, रुकियो ही मत, तू खींच दे। ये ले भाई, इसका सुनने दे पहले तो। जी हो जाए तेरा, बता दियो तो। जी बार बार क्लैप मत कर, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर हमारी 6-7 लिसनर्स, वेलकम बैक। एक और पॉडकास्ट लेकर हम आ गए हैं, 5 लड़के ही हैं आज हम। छठे वाले को हमने भेज दिया गोवा घूमने के लिए ऑन आर बिहाफ। ठीक है, तो वेलकम बैक बॉयज, सक्षम, शिवांग, गुर्रे मत ओब्रॉय, कनव सिटी। आज 5ों लड़के हैं हम। एंड लास्ट वीक में ना मैं ट्विटर पे बैठा था, तो मैंने काफी सारा आउटरेज देखा ओवर अ पिक्चर कॉल्ड आदि पुरुष। ठीक है, तो आज जो हमारे लिसनर्स हैं जिनको नहीं पता आदि पुरुष क्या है, आदि पुरुष रामायण है बट रामायण नहीं है। ठीक है, रामायण का एडाप्टेशन है इन द वर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर, बट रामायण नहीं है। बट वो मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि आदि पुरुष के टॉपिक से मैं सोचने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटरेज चल रहा था। बीच में ऐसा कुछ आया कि लोग उसके मूवी बैन कर दो, मूवी को चलने मत दो। उतने बीच में मूवी की प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर्स ने बोला कि हम रीडबिंग करने वाले हैं बहुत सारे डायलॉग्स का। तो मेरे दिमाग में ये सेंसरशिप वाला कॉन्सेप्ट आया, दिमाग में टॉपिक आया। और सेंसरशिप मेरे हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में एटलीस्ट, जो हर 1.5-2 हफ्ते में उछल के आता है, जैसी कोई कुछ भी चलता है देश में, और फिर वो 5-6 दिन में बंद हो जाता है, फिर 1.5 हफ्ते बाद वो रिपीट साइकिल है। तो सेंसरशिप बहुत ही एक्टिव टॉपिक है। अभी ये आदि पुरुष से पहले आई थिंक 1 हफ्ता पहले वो जैक डोर्सी ने कुछ बोल दिया था, ट्विटर वाले बंदे ने, कि इंडिया में तो भाई सब कुछ बंद करा दे रहे हैं हमारा। तो ये टॉपिक चलता ही रहता है अपने वहां। तो मैंने सोचा आज अपने भाइयों के साथ, अपन ये लाइक माइंडेड सिमिलर एज ग्रुप वाले लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। ठीक है, तो अब और कुछ लोगों के पास यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देख रखा है लाइफ का। तो मैं कहा एक सेंसरशिप टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन बिल्ड करते हैं और उस पर देखते हैं हमारे क्या थॉट्स निकल के आते हैं। क्विक क्रिस्प रखने की कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे ये जो 5-6 लिसनर्स हैं ये कहते रहते हैं भाई तुम लोग बहुत देर तक बात करते हैं, तो आज अपन छोटी बात करने की कोशिश करेंगे। छोटी बात नहीं करेंगे, छोटी बात नहीं करेंगे। सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट, बड़ी बात लेकिन जल्दी, कुछ भी जल्दी, क्विक भी। ठीक है, ठीक है। तो सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे हिसाब से सेंसरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे इंफॉर्मेशन, आइडियाज और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, थोड़ी सी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको वो घोड़े को लगाम देने की कोशिश की जाती है कि भाई वो एक स्पेसिफिक डोमेन में रहे। ठीक है, एंड पर्पस आई थिंक उसका ऐसा है, और कोई भी इसको मेरे को काउंटर कर सकता है। मेरे हिसाब से पर्पस, जिन लोगों के पास पावर है वो सेंसरशिप को कंट्रोल करने का, उनके दिमाग में आइडिया है ऐसा कुछ कि हम डिफाइन करेंगे कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल होना चाहिए और क्या एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उनके पावर थोड़ी सर पे चढ़ गई लोगों, तो वो बताना चाहते हैं मैं क्या देख सकता हूँ क्या नहीं देख सकता, क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता, क्या अप्रोप्रिएट है क्या इनअप्रोप्रिएट है। तो ये कुछ लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एंड उनके दिमाग में ऐसा है कि वो सोसाइटी को बेटर प्लेस बना रहे हैं। ठीक है, वो पब्लिक ओपिनियन को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश को बुरी ताकतों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ISI का इंडिया पे इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा जेन्युइनली हो रहा है? मेरा सबसे पहला सवाल तो अपन सबसे ये है कि तुम लोगों को क्या लगता है, सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस रिगार्ड में होना चाहिए? क्योंकि थियोरेटिकली मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली आई थिंक कॉन्सेप्ट वैलिड है, जस्टिफाइड है, क्योंकि एक एज अप्रोप्रिएशन वाला सामान तो बहुत ही जेन्युइन है।
एक यंग माइंड को कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी भी होता है. तो इस डोमेन में, इस रिगार्ड में अगर हम सोचें तो क्या इम्पोर्टेंस है सेंसरशिप की और क्या ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अपन उस तरह से चालू करते हैं. तो मेरे को क्या लगता है कि समटाइम्स टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल यू नीड टू सेंसर सर्टेन वॉइसेस या फिर चैनल्स. कि इन आइडियल सिनेरियो ये नहीं होना चाहिए फॉर श्योर, लाइक वी आर फ्रंट अबाउट इट कि ये नहीं होना चाहिए, बट वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड. ठीक है, तो मुझे कभी कभी दिखता है कि गवर्नमेंट ये चीजें क्यों सेंसर कर रही है. कभी कभी ये सेंस बनाती है चीजें, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सेंसरशिप होती है वो फॉर अ बैड कॉज ही होती है. तो आई थिंक हमें सेंसरशिप को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ ही जज करना चाहिए, नॉट कि एक एब्स्ट्रैक्ट लेकर के कि सेंसरशिप नहीं होना चाहिए बिल्कुल. बिकॉज समटाइम्स फॉर द लार्जर गुड यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स, एंड इन दिस केस सर्टेन थिंग्स वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो कभी कभी करनी जरूरी भी है. आई हैंड इट ओवर टू समवन एल्स किसी का. हाँ, और लाइक जो हमें राइट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आई थिंक आर्टिकल 19 है ये, तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं. तो कुछ एक्सेप्शंस वो कि इंडिया की सॉवरेंटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, इंडिया के फॉरेन अलाइज के साथ भी मतलब रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, और पर्सनल किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, इस टाइप के कुछ वो हैं. तो वो इटसेल्फ जो राइट है वो इटसेल्फ कम्स विद द सेंसरशिप कि ये नहीं कर सकते आप. और एक जो काफी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है इसका कि क्राउडेड थिएटर में आप फायर नहीं चला सकते, जिसने यूएस में हुआ था शायद ये केस, उसमें जुडिशरी ने डिसीजन दिया था कि इस इंसिडेंट को कोट करके बोलते हैं कि सेंसरशिप जरूरी है क्योंकि आपके बोलने पे एक्शंस हो सकते हैं, और आपके पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर सामने वाले के पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो जरूरी तो है, बट मैं उस थॉट ग्रुप का हूँ कि लाइक बहुत मिनिस्कुल, बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, और ये डिसीजन जुडिशरी का होना चाहिए, पॉलिटिक्स का नहीं. यार मेरा क्या है, आई हैव सर्टेन थॉट्स. एक तो ये है कि सेंसरशिप सिर्फ सरकारें नहीं करती, जो भी प्लेटफॉर्म जो अथॉरिटी ओन करती है वो प्लेटफॉर्म अपना खुद का सेंसरशिप लगाता है. ठीक है, यूट्यूब पे तुम कुछ भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं डाल सकते हो. जैसे अगर हमारे वीडियो में भी अगर हम से डीसी मूवीज का कोई क्लिप लगा देंगे तो वो सेंसर हो जाएगा, यूट्यूब हमारा खुद उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, राइट. तो जहां तक प्लेटफॉर्म की बात आती है तो उस प्लेटफॉर्म के ओनर को हक है कि हाँ उनको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, उनके पास वो पूरा कंट्रोल है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन सेंसर व्हाटएवर कंटेंट दे गेट ऑन देयर प्लेटफॉर्म. पर जब ये बात लाइक गवर्नमेंट्स और स्टेट्स पे आती है, राइट, तो मुझे लगता है कि आपने हमें हक दिया है तो हम उस हक को जता रहे. ठीक है, आपने औरों को भी हक दिया है तो जब तक उनके हक पे हम स्टेप नहीं कर रहे अपना हक जताते हुए, वो तो फेयर ही है. एक और मेरे को चीज लगती है, जैसे होता है पायरेसी, पायरेसी बैन है, गवर्नमेंट सेंसर कर देती है पायरेट वेबसाइट्स को, क्यों मुझे करनी है पायरेसी भाई. एंड हाँ, उससे थोड़ा ऐसा होता है कि मैं किसी और का पैसा खा रहा हूं, बट मैं पायरेसी इलीगल है तो गवर्नमेंट इसको कर करने के लिए कर सकती है. अरे बट कभी कभी तो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को करनी है स्मगलिंग भाई, मैं पुलिस की पकड़ जी. तू पायरेसी के कॉन्सेप्ट में ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत ज्यादा आगे. अरे जैसे मैं एक सेकंड, जैसे ना गेम ऑफ थ्रोन्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स जो हॉटस्टार पे आता था अब जियो सिनेमा पे आता है, वो इंडिया में सेंसर्ड वर्जन आता है, वो सेंसरशिप मेरे को तो नहीं चाहिए. तो अगर मैं पायरेट करके ओरिजिनल वर्जन देख रहा हूँ तो क्या तकलीफ. देख रहा है कितने स्पेसिफिक क्या पायरेट मतलब क्या पायरेसी करनी है. ये जो प्लेटफॉर्म वाली बात करी कि जो प्लेटफॉर्म है उसका राइट है कि सेंसरशिप उन्हें क्या करनी क्या नहीं करनी, बट मेरा इसका एक काउंटर ये है कि एक एट अ सर्टेन स्केल वो प्लेटफॉर्म पब्लिक गुड्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर बैंक्स भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के वो हैं, मतलब कंपनीज हैं, बेसिकली प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो उनको भी उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का एक सबसेक्शन बैठा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते. रेगुलेटरी बॉडीज, हाँ रेगुलेटरी बॉडीज उन पे बैठी हैं. तो वो वाली आर्ग्यूमेंट में उनको मेरे ख्याल से अगर किसी कंट्री में आना हुआ तो उस कंट्री के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि खुद के रूल्स बनाने चाहिए. हाँ, तो मेरा यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन है. पहला तो कि सबू तूने ये बोला कि जुडिशरी शुड डिसाइड, ठीक है, कि सेंसरशिप का क्या एक्सटेंट होना चाहिए. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपी या एमएलए है,
तो वाई शुड ही और शी एज अ पर्सन नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू द सेंसरशिप एंड वाई शुड जुडिशरी हैव इट? क्योंकि फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव मैं जुडिशरी को अपॉइंट नहीं करता हूँ और अगर हमें कोई इमीडिएट एक्शन लेना होगा तो जुडिशरी इज नॉट द वे टू गो. ऐसे किसी चीज को सेंसर करनी है उसपे हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, तो मेरे को नहीं लगता जुडिशरी को एफिशिएंट तरीका है जाने का. तो मेरा मे बी व्यू पॉइंट अलग होगा. मैं जैसे अपने दिमाग में इमेज बनाता हूँ तो मैं जुडिशरी को लेता हूँ कि ये कंपस है कि हमारी सोसाइटी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ये बताएंगे, और जो गवर्नमेंट है या एमपीज एमएलए हैं वो उस कंपस को फॉलो करने करते हुए ड्राइवर्स हैं और हम बैठे हैं पीछे मजे में कि तू ड्राइव कर. तो मुझे लगता है कि ये इतना फंडामेंटल टॉपिक है कि कंपस इटसेल्फ को डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है कि ना नहीं जाना. ड्राइवर शॉर्टकट्स लेना है या नहीं लेना ये मेरे ख्याल से नहीं है. और जो तूने सेकंड पॉइंट कहा कि टाइम लगता है, तो हम अभी फिर भी काफी यंग कंट्री है, तो होता क्या है कि ऐसे ऐसे कुछ नए नए टाइप के केसेस आते हैं और फिर वो केस लॉ सेट हो जाता है गिवन इनफ टाइम, तो वो फिर भी एक्सपेडाइट किया जा सकता है डिसीजन कि हमारे पास एग्जांपल हैं ऐसे केसेस का और उसको जल्दी से फिगर आउट कर सकते हैं. तो अभी तक हमारा जो बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि रिक्वायर्ड तो डेफिनेटली है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि सोसाइटी को एक सर्टेन रेगुलेशन रिक्वायर्ड. अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होता रेगुलेशन तो फिर तो ना तो गवर्नमेंट चाहिए थी, ना पुलिस चाहिए थी, ना आर्मी चाहिए थी, फिर तो सोसाइटी ही एकदम सेल्फ रेगुलेटेड चलती रहती. तो रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, उसका रेगुलेशन कितना होना चाहिए वो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट. एंड उसका पैरामीटर आई थिंक काफी एम्बिगुअस है इवन बिटवीन द फाइव ऑफ अस, क्योंकि हम सब वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन लाइफ. हम सबको कुछ चीज छू जाती है, कुछ चीज नहीं छू जाती, कुछ इरिटेट करती है, कुछ स्नैप करती है, तो उतना तो डिफाइंड है. अब इसी कॉन्वर्सेशन को अगर मैं फॉलो अप करूं राइट, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है कि सेंसरशिप का इम्पैक्ट हम देख कहां जा रहे हैं. हमारी सोसाइटी में जब गवर्नमेंट बॉडीज या रेगुलेटरी बॉडीज या पुलिस या जो भी जिसके भी पास पावर और अथॉरिटी है प्लेटफॉर्म्स, जब भी वो रेगुलेशन ला रहे हैं, जब भी वो सेंसरशिप कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी पर्सनल लाइफ में, क्या इम्पैक्ट? मेरे को तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो लगता है सेंसरशिप का होता है वो तेरे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पे होता है, कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का सेंसरशिप समहाउ रिस्ट्रिक्ट्स योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड समवेयर इट लिमिट्स यू नो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी. नॉट जस्ट दैट, ये हैम्पर करता है डेवलपमेंट ऑफ अ यू नो लाइक मैच्योर्ड सोसाइटी इन अ वे, इन्फॉर्म्ड सोसाइटी इन अ वे, बाई सप्रेसिंग यू नो लाइक अल्टरनेटिव आइडियाज या फिर जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं लोगों के. और ऐसे पर्सपेक्टिव जो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रहे, जस्ट दैट. तो ये सबसे बड़ा होता है क्रक्स. देखे तो सेंसरशिप है क्या, ये एक्चुअली जैसे ध्रुव ने भी पहले कहा कि पावरफुल लोगों का एक टूल है, ठीक है, जिससे वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या नैरेटिव बिल्ड करना है, क्या कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करना है या कैसे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना है. और मैं इसमें अगर थोड़ा सा और जाऊँ कि कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैसे हैम्पर होती है, तो एक तो होता है कि फिल्टर कर दो कंटेंट को जो शेयर कर रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे पास 10 कंपोनेंट्स है एक ही नहीं उसके, बट तुमने साथ ही दिखाए जो तुम्हें फेवर कर रहे थे, वो तीन जो थे क्रूशियल भी थे लेकिन तुमने उसको हटा दिया. तुम्हारे पास तक न्यूज पहुंची है बट पूरी न्यूज नहीं पहुंची है और तुम उसी सात कंपोनेंट्स को सच मान के बैठे हुए हो, यही था पूरा सच, ठीक है. एक तो है कि सप्रेस जो डिसेंटिंग वॉइस होते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कर दो ये कर दो, इमीडिएट जो एक्शन लेती है गवर्नमेंट्स वो तो है. फिर एक है कि जो अपने यहाँ इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे मीडिया चैनल्स के थ्रू आता है, राइट, न्यूज चैनल्स वगैरह, उनको कंट्रोल कर लो. उनको कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं वो, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, कि मतलब तरीके तो बहुत हैं मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करने के. तो न्यूज कवरेज को कैसे कमांड करना है वो अथॉरिटीज से याद आ गया, तो हम काफी हद तक पब्लिक ओपिनियन को एक तरीके से हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं बैठ करके, राइट. और एक क्लीन, तो शिवांग जैसे तूने एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला ना, तूने जैसे एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला, जैसे जैसे हमारा ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है मेरा एक रिक्वेस्ट है अपन सबसे कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ना एक एग्जाम्पल दें ताकि जो लिसनर्स हैं और ताकि हम सब भी, आई थिंक दैट एग्जाम्पल विल हेल्प अस रियलाइज कि अरे यार ये तो अपने साथ हुआ था एंड उस मोमेंट में मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरे साथ सेंसरशिप हुआ है. क्योंकि ऐसा कई बार होता है जहां पे लिसनर्स को पता ही नहीं कि उनके साथ इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड हुई है या उनसे कुछ छिपाया गया, स्पेशली अगर तूने बोला एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो रही है सेंसरशिप. इसमें मैं यहाँ पे लेआउट नहीं करना चाहूंगा एग्जैक्ट एग्जांपल इस केस में, ठीक है,
मैं बस ये एक जनरल स्टेटमेंट दूंगा कि होता क्या है आजकल मीडिया हाउसेस के साथ कि गवर्नमेंट्स आती है उनको पैसे देती है टू रोल आउट उनके अपने एड्स गवर्नमेंट एड्स और वो काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी हो जाता है उनको एक तरीके से वापस करना राइट वो ऑब्लिगेशन तो दैट्स हाउ कि ये ऐसे रिलेशनशिप बनती है कि हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें एड्स दिखाने का और उनका बिजनेस मॉडल ही उस पे बेस्ड है राइट कि उनको पैसे चाहिए कहीं से एड्स के ठीक है तो गवर्नमेंट वो अगर प्रोवाइडर हो जाए तो तुम कंट्रोल कर सकते हो जो न्यूज जैसे फ्लो तो जब तक न्यूज एड सपोर्टेड मॉडल पे रहेगा तब तक गवर्नमेंट कंट्रोल तो रहेगा ही ना उस पे आई डिसएग्री विद दैट मतलब पब्लिक भी डायरेक्ट पे करते तो उसमें भी है प्रॉब्लम बट उस पे देखते बाद में बात करते हैं इस पे कनफ कुछ ऐड कर रहा था मैं ये कह रहा था कि from the points that I've heard I think there is a clear distinction ki there are two types of censorship there is good censorship and there is bad censorship good censorship in the cases of jaise sakune examples diye the ki you know harming the country's image harming the country's allies image and bad censorship in the case jaise shivang ne example diya access of information so iska I think iska sabse bada example ye hai ki bahut pehle na ek scientist hota tha galileo galilei to us bhai ne aake bola ki dekho bhai अर्थ सेंटर नहीं है इस सोलर सिस्टम का सन सेंटर है तो चर्च ने आके सीधा सीधा उसको घर बिठा दिया कि तू बाहर ही मत निकल अर्थ सेंटर है तू बाइबल के अगेंस्ट जा रहा है तू ये रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है इवन दो ही वाज राइट सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज बैड सेंसरशिप तो ये अपने को इतना डिफाइन हो गया कि दिस इज अ हिस्टोरिक प्रैक्टिस इट्स नॉट ये नहीं है कि अभी सडनली पिछले 20-25-30 साल में सोसाइटी में रेलेवेंट हो गया कभी भी जो पावरफुल लोग रहे हैं वो चाहते हैं कि जो उनका ओपिनियन है वही नीचे तक जाए वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ओपिनियन बनाए अपना और वो इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी चाहेगा कि उसका जो फ्लो वो उनके कंट्रोल में हो फॉर श्योर ठीक है और तो ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में लाइक अपन डिसीजन मेकिंग जब करते हैं एज एन इंडिविजुअल भी मैं अगर करता हूँ तो भी मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं एक ऐप डिसीजन ले सकूं अगर मेरे पास वो पूरा ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा डिसीजन इटसेल्फ कैन बी क्वेश्चनेबल और जो हम डेमोक्रेसी में एक मेजर डिसीजन वोट का लेते हैं वो इटसेल्फ कैन बी कि ये क्या मेरी वोट वैलिड है कि नहीं है क्योंकि मेरे पास कभी पूरी इंफॉर्मेशन ऊपर से आई नहीं और जब हम कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी ये इतने सारे डिसीजन कंपाउंड होते जाते हैं तो हमारे पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है सिर्फ हमारे पास क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली जो मैं भी कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो तो इन्फॉर्म सोसाइटी हमारी नहीं बन पाती और मेरे को इसमें कुछ और भी ऐड करना है कि जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की जो जैसे हम लोग सेंसर करते हैं एक और जो तरीका हुआ है जो हम लोग इंडिया में भी आजकल बहुत देखते हैं कि ये क्लीन तरीका भी है ठीक है कि तुम जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस है ना वो लगा दो जैसे कि हमारे यहाँ जो लॉज है सेडिशन लॉज हुए डिफेमेशन लॉज हुए या फिर एंटी टेररिज्म लॉज हुए ठीक है उसका हवाला दे दो चीजों से तो वो क्या होता है कि बेसिकली जो लीगल रिपरकशंस होते हैं ना उसको देख करके लोग सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं कि ये कहां तक हम बोल सकते हैं इस चीज के बारे में तो ये भी एक तरीका है उससे गुड पॉइंट और हमने ये हाल फिलहाल में काफी देखा है जहां पे आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ओपनली आके इस टॉपिक को सपोर्ट किया है कि एट सर्टेन टाइम्स गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर आर यूजिंग ड्रकोनियन लॉज टू सेंसर द वॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी ये डिबेटेबल है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू कितने हार्मिंग टू द सोसाइटी हो सकते हैं बट इवन बिफोर दैट डिस्कशन कैन हैपन इन द सोसाइटी द गवर्नमेंट गोज आउट एंड मेक श्योर दैट यही तो आप इंपैक्ट की बात कर रहे थे ना कि सेंसरशिप का इंपैक्ट क्या है क्योंकि अगर यू आर इन द फियर दैट इफ यू ओपन योर वॉइस you will be put down there are many good points that you might want to put up there is many creative points that as a person you might want to put up but you are always shot down kyunki bhai log kya kahenge ya government kya kahegi to yahan pe abhi tak apni jo conversation hui hai usme shivang ne start kiya tha access of information se but towards the closing of this hum kafi close aa gaye to the fact that people in power also try to suppress dissent theek hai to is concept pe kisi ke paas kuch जैसे ये कनव कह रहा था कि आइडियाज टॉप पे नहीं आते मैं आइडियाज को एज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज देख दू लाइक पूरे उसमें और अगर अच्छे आइडियाज हैं तो तुम्हें सोशल करेंसी वापस मिलेगी और गंदे आइडियाज हैं तो दे विल बी पुट डाउन बट होता क्या है कि जब अच्छे आइडियाज या कोई भी आइडियाज को बार बार सेंसर किया जाता है तो यू इट सेल्फ बिकम कि हम खुद सेल्फ सेंसरिंग हो जाते हैं कि हम ये आइडियाज पुट फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेंसर हो ही जाने वो पूरे एक टोन सेट हो जाता है एक अच्छी सी किताब पढ़ी थी मैंने उसका मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मेरे को अच्छा सा उसका वो मिला था ये दिख रहा है सबको तो ये टेम अर्बन की किताब थी व्हाट्स आवर प्रॉब्लम सेल्फ हेल्प बुक फॉर सोसाइटीज
तो इसमें इसने एक ये किंग मस्टैश करके एक कैरेक्टर बनाया था, कैरेक्टर जिसका वो एग्जांपल देता है। तो वो कहता है कि जो ये जो बेल कर्व है ना, ये बेसिकली वो है कि अगर मैं तेरे दिमाग को लेके स्पेक्ट्रम पे रख दूंगा तो ये तेरे सारे थॉट्स हैं। तो आइडियल सोसाइटी में किसी भी टॉपिक पे ऐसे बेल कर्व होंगे आइडियाज का, जब मोस्ट पीपल मिडल में लाइक करेंगे। अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड कोई टॉपिक है तो वो उसका लाइक ऐसे यू शेप का कर्व बन जाएगा कि इस तरफ और उस तरफ बहुत लोग हैं और मिडल में कम लोग होते हैं। तो जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, ये जो थॉट पाइल है ये स्पीच कर्व के साथ अलाइन होना चाहिए। स्पीच कर्व क्या है? स्पीच कर्व है कि एक सोसाइटी में किस चीज को कितना लाउडली बोला जा रहा है। ये नॉट नेसेसरली कि ज्यादा लोग बोल रहे हैं, जैसे पीएम बोलेगा तो उसका मतलब उसका वेटेज ज्यादा है बेसिकली, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा मेरे बोलने के कंपैरेटिव। तो आइडियल सोसाइटी में स्पीच कर्व और ये डोरमैट, ये थॉट पाइल बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए कि जो सोसाइटी सोच रही है वही बोल रही है। पर सेंसरशिप में होता क्या है कि एक लाइन बना देते हैं और ये फिर वो जो स्पीच कर्व है वो बेसिकली डिसअलाइन हो जाता है और सोसाइटी सोच को छोड़ रही है, बोल को छोड़ रही है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा और अपन ठीक डिसीजंस नहीं बनते। तो ये सेंसरशिप बेसिकली वो लाइन बना दे रहा है और वो इश्यू है। इसमें आर्टिफिशियली जनरेटेड स्पीच वाला सेगमेंट था ना, ये पढ़ के मेरे को ऐसा लगा ये जीपीटी की बात हो रही है। ये जो गैप है ना, ये डिसेंट को कंट्रोल कर रहा है। जो आर्टिफिशियली जनरेटेड स्पीच है ना, ये वो पार्ट है जो डिसेंट होना चाहिए था, जो दबाया गया। तो अभी तक मेरे को जितना समझ में आ रहा है वो मोटा मोटा अगर हम गवर्नमेंट्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो मोस्ट ऑफन ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि डिसेंट ना हो और डिसेंट ना उगे उनके अगेंस्ट, उसके उसको कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन का एक्सेस रोक दो ऑडियंस। हाँ, और सिर्फ एक्सेस रोको भी नहीं, हाँ, और गलत इंफॉर्मेशन दो, वो सेंसरशिप नहीं, वो अलग चीज है। इसे ध्रुव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन में एक और एग्जांपल मेरे को जो आया, जो जैसे कोविड वेव जब चल रही थी, पैंडेमिक जब चल रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही थी, राइट। तो टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सेंसर, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जैसे ट्विटर वगैरह पे, उन्होंने डायरेक्टली सेंसर कर दिया था कि वी डोंट थिंक दिस इज राइट, एंड दे जस्ट अज्यूम कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे, दे टुक दैट एज अ बेंचमार्क कि ये सही है। तो जैसे हमने कोविड के ओरिजिन वाले पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रखा है कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट है वही लेके ट्विटर, मेटा एंड ऑल दीज अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, लाइक दे ट्राई टू सेंसर इन्फॉर्मेशन, ताकि उनका आइडियल एक्चुअली यही था कि उनको एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रोकना है, राइट। एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज मिस इन्फॉर्मेशन, एसेंशियली वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है। तो वो चाहते थे कि उनका मैसेज जाए कि हाउ पीपल शुड स्टे सेफ। तो एक मेरे को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगा कि हाउ इट कैन बी यूज फॉर गुड। ऑफकोर्स लाइक चाहिए सेंसरशिप तो चाहिए। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया, अभी आई वांट टू सर्कल बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, राइट, कि हमने दिस द थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक केम टू मी फ्रॉम अ मूवी एंड द आउटरेज दैट दैट मूवी करंटली सीइंग इन द सोसाइटी, ठीक है। तो एंड ये हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है कि अगेंस्ट मूवीज बहुत इंक्रीजिंगली पीपल आर शोइंग फ्रस्ट्रेशन, शोइंग डिसेंट कि भाई ये कुछ भी दिखा रहे हैं, इसको बैन कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको ये कुछ भी तो हम दिखा रहे हैं। तो ये जो कैंसिल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट आ गया है ना सेंसरशिप में, और इसका क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सपोजर पे जो इंपैक्ट है, उसके बारे में किसी के पास कुछ व्यूज? ये अगेन उसी पे आ जाता है, ये मेरा जो मैंने पहले बोला था मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में, अगर तुम ये बोल दोगे कि ये वाले ये लाइन है इसके इधर नहीं जा सकते कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ये वो कम्युनिस्ट वाला आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा चला जाता है कि ये हम करेंगे, ये वाले आइडियाज हम कंट्रोल करेंगे सारे और फिर हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाता है और उससे क्रिएटिविटी सप्रेस ही होगी और क्रिएटिविटी होमोजीनियस हो जाएगी, नए आइडियाज पनप ही नहीं पाएंगे, वो एक बड़ा इशू है। क्रिटिसिज्म मतलब ये कैंसिल कल्चर इटसेल्फ एक इशू है, क्योंकि कैंसिल कल्चर में तुम ये बोलते हो कि तू गलत है, ये आदमी खराब है, जबकि क्रिटिसिज्म मेरे को लगता है अलाउड होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि इसका आइडिया खराब है, है ना, अगर तुम आदमी को खराब बोल देते हो तो वो क्रिएटिविटी उसकी दब जाएगी। और हाँ, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मूवीज वाला जो तू कह रहा था, सेंसरशिप बोर्ड वाला जो हमारा है, ये ब्रिटिश टाइम से अपना चल रहा है, ब्रिटिशर्स ने ये बनाया था सेंसर बोर्ड, और यही थे पहली बार कि कट कर ये मूवीज में कट लगाएंगे कि ये नहीं दिखा सकते थे, और ये इटसेल्फ अब ब्रिटेन ने वो हटा दिया, ब्रिटेन सिर्फ मूवी देखता है और वो सिर्फ ग्रेड करता है कि ये 18 प्लस देख सकते हैं, ये 14 प्लस देख सकते हैं, वो कट नहीं लगाते, तुम ये बता दो कि ये कौन देख सकता है, तुम ये मत बताओ कि ये कोई नहीं दिखा सकते कटिंग।
if I can play devil's advocate here, and this is the most common issue I see in regard to creative suppression, बहुत often जो complaint from society उठ के आ रही है ना, it seems to be inclined towards the direction that certain expression of creativity is leaning very close to hurting public and religious sentiments. ठीक है, तो this is the point of contention जो उठ के आ रहा है. And जो मुझे दिख रहा है, what is happening is government, instead of dealing with it, government क्या easier option ये है कि सेंसर बोर्ड को प्रेशराइज करके उसको बस हटवा दो. इस पे कोई ओपन डिबेट करने की कोशिश नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, एक मैच्योर आइडियलिस्टिक मैनर में, कि भाई क्या हो जाएगा, किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उसे एक्चुअल में गणेश जी गुस्सा थोड़ी हो गए या बजरंगबली परेशान थोड़ी हो गए कि भाई किसी ने कुछ कह दिया. अगर हमने एज अ कॉन्सेप्ट, अगर मैं देखूं गॉड को, हमने बियॉन्ड ह्यूमंस बना रखा है ना, कि उनको सही गलत हर चीज की परख है, तो अगर वो उतने सुप्रीम बींग्स हैं तो उनको ये छोटी मोटी ह्यूमन लाइफ्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में, दैट इजंट रियली अफेक्टिंग देम, बट हम समहाउ इफेक्ट हो जाते हैं. एंड वो जो सोशल आउटरीच है उसको बैलेंस कैसे किया जाए विदाउट सेंसरशिप, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है इन केसेस में, कि यार बात ज्यादा चिक-चिक हो इससे पहले काट. मेरे को लगता है कि इसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि तुम्हें अगर पब्लिक आउटरीच होता हुआ दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो एक तुम अपना उस पर भी एक तो तुम खुद भी देख सकते हो ना कि तुम्हें पॉइंट दिखेगा कि हाँ यहाँ से आउटरीच हो सकता है, और एविडेंटली होते हैं चीजें. ठीक है, जो आउटरीजेस हो रहे हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि आउटरीजेस सही है या फिर कुछ ऐसे करके, और मेरे को लगता है आउटरीजेस का एक फेज है. ठीक है, कि सोसाइटी अभी इस कर्व पे है कि इनको अभी हर चीज टच कर रही है, देन जो हमारा लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो कहाँ है. ठीक है, मे बी ये फेज जाएगा, लोग ज्यादा से जो सेंसिटिविटी है उसको ड्रॉप करेंगे, लोग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगे. अभी एक फेज में हम लोग जो एक फैशन भी बन चुका है कि चीजें आ रही है उसको क्रिटिकली उसी व्यू से देखना है कि कहां कहां हम हर्ट हो रहे हैं. मेरे को तो अब ये भी लग रहा है कि पिक कर रहे हैं लोग कि मैं यहाँ हर्ट हुआ हूँ या यहाँ हर्ट हुआ हूँ, तो दोनों तरफ से एक कहीं मिडिल ग्राउंड पे पहुंचना होगा, कहां मैं हर्ट हो सकता हूं. हाँ, ये एक्चुअली मेरे को लगता है कि जो हर्ट होके जो आउटरेज होता है, एक तो ये वैसे ही बहुत लाउड माइनॉरिटी है मेरे को तो लगता है वैसे ही, और उनके भी पीछे कुछ अलग उनके मोटिव्स हैं. तो और दूसरा, ये जस्ट तू सेंसरशिप वाला कह रहा है, मेरे को लग रहा है क्योंकि ये ऑप्शन है, क्योंकि हम सेंसर करते हैं इसलिए ये आउटरेज होते हैं. ये काउंटर इंट्यूटिव है कि अगर हम सेंसर करें ही ना, इनको पता ही, इनको हो ही ना कि ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आउटरेज नहीं होगा इवेंचुअली. और क्योंकि हम यंग देश हैं अभी, तो ये सब कुछ हमें किंग्स अभी वर्कआउट करने हैं अपनी सोसाइटी में, इवेंचुअली धीरे धीरे हो जाएंगे. तो इम्पैक्ट हमने अभी तक ये समझ लिया है कि क्रिएटिविटी इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप सभी कुछ काटने लग जाओगे तो आदमी थोड़ा फ्री माइंड से सोचेगा कहाँ. जिनका पर्पस आर्ट को एक्सप्रेस करके सोसाइटी के सामने लेके आना है, दे नीड सर्टेन क्रिएटिव लिबर्टीज. हाँ, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन हमने ये भी समझा है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा सा जरूरी है, ताकि जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है ऑफ आर्ट फॉर्म, वो समझे कि कहाँ वो पर्सनली प्रोबेबली लाइन क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ वो उसको अवॉइड कर सकते हैं. क्योंकि ये आई थिंक हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी होल्ड ट्रू करते हैं. देख, मेरे को अगर तेरे से लड़ाई करनी है तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट व्हाइल बीइंग अग्रेसिव विद यू, आई डोंट क्रॉस अ बाउंड्री व्हिच हर्ट्स यू टू अ पॉइंट व्हिच स्टार्ट्स अफेक्टिंग माय रिलेशनशिप विद यू. तो वो चीज कहीं पे मिसिंग है, एंड प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है. मेरे को तो ऐसा भी लगता है कभी कभी कि द क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स आर यूजिंग सिनेरियोज ऑफ एजिटेशन टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर पॉपुलर. हाँ, देख सकते हैं उसको ऐसे, वो जो फेक पब्लिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हो सकता है, होगा कहीं ना कहीं. क्योंकि they bring out a product which brings out outrage in the society, and very easily they go like, oh, we are very sorry, we'll roll it back. Anti-marketing or negative marketing. जब हम product बनाते हैं, at least हम सारे engineering background से हैं, जब हम किसी भी product को बनाते हैं, we do an internal testing of that product, show it to 10 people, ask them for feedback. So I'm pretty sure movie makers या art makers, music makers जो भी हैं, they do that internal testing कि भाई ये मेरा product आ रहा है, आपकी क्या view. तो अगर दो तीन लोग, तो कोई तो बोल ही देता होगा भाई कि ये बॉर्डरलाइन क्रॉस कर रहा है, एंड दे ट्राई टू इग्नोर इट. जो भी है वो कहते हैं ना कि क्या हुआ, बदनामी हुए, नाम तो हुआ, तो वही वाला है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. मुझे ये लगता है कि एज अ सोसाइटी आई फील दैट जेन जी इज गेटिंग अ लिटिल मोर इवॉल्व्ड, इज अ लिटिल मोर टॉलरेंट एज कंपेयर्ड टू आवर प्रीवियस जनरेशंस. वो गुड ऑफ एन एग्जांपल इज दिस, बट जेंडर फ्लूइडिटी इज एन एग्जांपल की मतलब आई एम नॉट श्योर टॉलरेंट की बात है या फिर वो उनको फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट श्योर
ऑफ दैट, मतलब टॉलरेंस बढ़ा है या फिर फर्क नहीं पड़ता वो पड़ता है कि सेम ही चीज है तो सिनोनिम्स यूज कर रहा है शिवांग, टॉलरेंस वही होता है यार, टॉलरेंट वही होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। नहीं टॉलरेंस, ओके टॉलरेंस इज अबाउट कि मतलब उस टॉपिक के बारे में वो जिस पे अभी आउटरेज हो रहा है ठीक है उसमें उनका कोई ओपिनियन भी है कि नहीं, वो मेरा है कि वो देख भी रहे कि नहीं उस चीज को। But topics like religion, tolerance मतलब all opinions are welcome. मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ करो, ये live and let live वाला ही तो tolerance। मेरा ये point है कि वो opinion exist भी करता है कि नहीं, वो इनको पता है कि नहीं मेरा वो है कि मेरा Gen Z से ये है, मेरे को पता ही नहीं कि उनको ये बातें पता भी है कि नहीं कि outrage। मतलब let's not get into how informed Gen Z is because हम Gen Z से थोड़ा दूर ही हैं तो अपने पास कोई direct वो नहीं है information point. And gender fluidity का जो example कनव ने दिया, I sort of disagree because I don't think censorship and gender fluidity are in the same bracket. Level of tolerance from generation over generation. That is what my point was there. I think it's more than tolerance. I feel it is about acceptance more than tolerance. It's not like जो बड़ी generation है वो ये कह रही है कि अगर तुम gender fluid है तो मैं तुम्हें चाकू से ही काट दूँगा. They're just not very accepting to that fact. But they don't have a real problem with you existing in the society. But if you stretch that acceptance further, isn't that what censorship is all about? Accepting instead of जो bad censorship की बात कर रहे थे कि अगर कोई topic है तो उसको outrage या social impact ना होने से पहले censor कर देते हो, but अगर ये acceptance आ जाती है society में तो governments might not really have to do that censorship because social acceptance रहेगी. हाँ वो तो है, ठीक है. इसमें अब मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विच इज आई थिंक वेरी ट्रू विद रिगार्ड टू इंडिया टुडे. इस वेरी फ्रीक्वेंटली पब्लिक फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में ये कहा जा रहा है कि मीडिया इन इंडिया इज हैंगिंग बाय अ वेरी थिन थ्रेड, ठीक है, कि मतलब बॉर्डर लाइन पे कोलैप्स ही करने वाली है मीडिया. एंड मीडिया को हाईली, एटलीस्ट इंडिया में, मीडिया में कोई प्रेस फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है, मीडिया हाईली सेंसर्ड है इंडिया में. इन सारी मोटे मोटे टॉपिक्स और वर्ड्स पे तुम्हारे क्या व्यूज हैं? मतलब इंडिया में तो है ही थिन थ्रेड से, बिल्कुल लग रहा है ब्रॉडली वर्ल्ड ओवर मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया वो बिल्कुल लाइक लूजिंग बैटल फाइट कर रहा है. और वो अब वो ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि पता नहीं कहीं सुना था कि वो क्लिक मैक्सिमाइजिंग मशीन बन गई, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन बन गई. और उनको बनना पड़ा है ऐसा क्योंकि मार्केट ऐसे इवॉल्व हो गया कि अब ये नहीं करेंगे तो दे रिटायर, है ना. तो ये और वो they are now most more often than not they are now accepting it कि अब हम ये हैं, अब हम entertainment वो. मैं ये दिखाता हूँ तुमको, ये ABP News का वो है, ABP News का ये YouTube page है और उसकी end में ये ad आती है. आप आपको पता चाहिए, आपको बताती हूँ कि मैंने होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP. अब ये बेच रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट है, तुम नमकीन के चटकारे ले लेके रिपीट कर करके हमारे डिबेट्स को दे. तो दे आर प्लेइंग इनटू इट, दे आर पोजीशनिंग देमसेल्व्स एज अ मींस ऑफ एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. काफी डिसअपॉइंटिंग. तो जैसे सक्षम ने कहा था कि दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, राइट, मेरे को लगता है दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल ऑन बोथ एंड्स. एक तो जब कभी वो लाइक अपने ओपिनियन करना भी जाए तो वहां से दे गेट लाइक प्रेशर फ्रॉम द देयर स्पॉन्सर्स एंड जो लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल है या जो भी है कि नहीं यू ओनली गो डाउन दिस पाथ कि तुम्हें यही बोलना है. एंड दूसरा एंड है कि जब वो लाइक गवर्नमेंट लाइन टो करते हैं अ लॉट ऑफ टाइम जो न्यू मीडिया है, अपकमिंग मीडिया है, राइट, दे गेट बीटन इन नंबर्स बाय देम. So it's essentially a losing battle for them on both ends. So एक तरफ वो ज़्यादा views भी gain करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो सरकारी line भी toe करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं के नहीं बच रहे. धोबी का कुत्ता बन गया. टेक्निकली अगर देखा जाए, मतलब मैं अगर इस कॉन्वर्सेशन को अभी तक समझूं तो मीडिया टेक्निकली सेंसर नहीं हो रही है, मीडिया एक अपने बस खुद के पैरों पर नहीं खड़ी हो रही, वो सहारा ले रही है किसी और का, के या तो गवर्नमेंट, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी इतनी बाइपोलर हो रखी है एटलीस्ट अबाउट द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट कि इधर पीपल स्ट्रॉन्गली लाइक द करंट गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्गली डिसलाइक द करंट गवर्नमेंट, ठीक है. तो मीडिया हाउसेस आर प्लेइंग टू वन ऑफ द टू नैरेटिव्स सो दैट उनको वो सर्टेन व्यूअरशिप मिलता रहे. तो आई डोंट रियली नो इफ दे आर बीइंग सेंसर्ड एज सच बाय अ स्टिक रादर देम टेकिंग अ सेल्फ स्टैंडिंग पोजीशन कि भाई मेरे को इसी ऑडियंस को दिखाना है अपना कंटेंट या मुझे सिर्फ इसी ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना है. मुझे क्या लगता है कि तेरा पॉइंट ठीक है कि दो वो उनके पास दो चॉइसेस हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैक्ट दिखाने वाली चॉइस है वो एक तो महंगी है
फाइनेंशियली सेंस बनाता है इनके लिए। दूसरा उस पे एक सरकारी चौकीदार खड़ा है डंडा लेके कि इधर जाओगे तो एक दो डंडे खा के आगे बढ़ोगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर रहा है। और उधर नहीं खड़ा है वो सरकारी, अगर सरकार की तरफ बोलोगे तो उधर नहीं खड़ा है वो सरकारी चौकीदार, और उधर उधर पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो वो नेचुरली इसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सेंसरशिप का, सिर्फ सेंसरशिप का रोल नहीं है बट उसका भी रोल है। मैंने तो थोड़ी देर पहले जो सेंसरशिप की बात की थी कि जो कंटेंट को फिल्टर करना भी है ना, वो भी एक सेंसरशिप ही है, ठीक है। तो जो इनके थ्रू जो फनल हो रहे हैं न्यूज, और मैं तो मैं ये कहता हूँ 10 कंपोनेंट है, उसमें 7 ही कंपोनेंट दिखा रहे हैं। यहाँ तो अलग ही चल रहा है कि 10 कंपोनेंट है तो 1 कंपोनेंट दिखा रहे हैं, 3 अपना कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो 9 बचे हुए कंपोनेंट है उसको आउट ऑफ द विंडो है वो सब, ठीक है। तो यहाँ तो महिमा चल रही है, ठीक है, भक्ति चल रही है, चाटुकारिता चल रही है, जिसका अपना अपना है, अपना जिसके लॉर्ड जो है उसके हिसाब से। तो ये मोर ऑफ सेंसरशिप ये भी है एक तरीके का, बस ये कंटेंट फिल्टर करके कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा बस इस पे यही है, मतलब माय पर्सनल व्यू स्टिल स्टैंड्स दैट आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग फ्रॉम अ रेगुलेटर बेसिस, क्योंकि मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ मीडिया हाउसेस देखे हैं जो बोथ एक्सट्रीम्स को केटर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो चौकीदार एक्चुअल में खड़ा होकर डंडा मार रहा होता तो वो दूसरा एक्सट्रीम जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे हिसाब से। तो अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कोई रेगुलेटर डंडा मार रहा है, बट येस आई थिंक फाइनेंशियल इंसेंटिव इज मोर टूवर्ड्स ऑन leaning more right. towards one direction, जिसकी वजह से large number of houses are inclined to show one kind of content. तो मेरे हिसाब से ये एक self-filtration हो रहा है at the media house level, उनकी personal, उनका दिल कहाँ है, left है, right है, center है, और वो खुद अपने content को moderate कर रहे हैं कि भाई मेरे को इसी audience को बेचना है अपना माल। हाँ, but सिर्फ तू बोल रहा है उसमें, अगर ऐसा केस होता, सिर्फ ऐसा केस होता पर्सनल डिसीजन पे लेते तो तेरे को ऐसा दिखता कि आधे आधे होते मीडिया हाउसेस, आधे इधर आधे उधर होते। मेन स्ट्रीम मीडिया तक ऐसा नहीं दिखता कि मेजोरिटी और या ऑलमोस्ट सारे की एक तरफ का डिसीजन ले रखे। नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव एक तरफ ज्यादा है, एंड ऑफ द डे दिस इज बीइंग रन एज अ बिजनेस, तो बिकॉज फाइनेंशियल इंसेंटिव एक एंड पे ज्यादा है। और एक गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट का भी एक इशू है, देख वो भी एक तरीका है, वो सिर्फ डंडा लेके नहीं खड़ा, तो वो लड्डू का एक डब्बा लेके भी खड़ा हो सकता है। इट इज बोथ स्टिक एंड कैरेट, फाइनेंशियल इंसेंटिव में वो भी आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट खर्चा करती है जो एडवर्टीजमेंट पे, वो न्यूज चैनल पे करती है। तूने गवर्नमेंट के यूट्यूब पे एड कम ही देखे होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो खर्चा उधर ही हो रहा है, तो उनको वो खर्चा चाहिए। तो सबको मेरे को जो 50-50 पार्टीशन की जो बात कर रहा था ना ओपिनियंस के, उसमें मेरे को ये भी है कि ना कि उनको मीडिया एक तो चीज देख रहे हैं कि फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, उनको ये भी देखना है कि व्यूअर्स कहाँ हैं, तो उनके व्यूअर्स जो हैं वो किधर ज्यादा बटे हुए हैं उधर उसको ज्यादा कैटर करना चाहेंगे, जहां उनकी ऑडियंस बढ़ी है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि अभी एक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक राइट विंग का स्विंग है, राइट राइट विंग की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसको कैटर करना उनके लिए एक बड़ा पॉपुलेशन का जो डोर है ना वो खोल के दे रहा है कि आप इसको कैटर करोगे तो इसमें से बहुत सारे ऑडियंस तो आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मेरे को लगता है कि वो जो 50-50 का डिवाइड है ना वो काफी ऐसे हमेशा चेंज होते रहेगा, 50-50 जो बैलेंस बनाना वो तो नहीं होना कभी, हमेशा एक स्विंग आते रहता है हमारी सोसाइटी में ओपिनियंस का, आइडियाज का, आइडियोलॉजीज का। हाँ, बट ये भी तो इश्यू ही है कि लाइक इश्यू तो है कि तुम जो, ये भी एक सेंसरशिप ही हो गया ना कि जो तुम दिखाना चाह, जो तुम्हें लग रहा है कि लोग देखना चाह रहे हो वही दिखा रहे हो तुम, तो तुम अब एंटरटेनमेंट चैनल बन ही चुके हो ना, तुम न्यूज चैनल तो नहीं रहे। न्यूज चैनल का मतलब ये था कि जो हो रहा है वो दिखाना, फैक्ट्स प्रेजेंट कम हो रहे हैं, फैक्ट्स तो नहीं प्रेजेंट। नॉट जस्ट ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स, अभी जी एक सॉल्यूशन दे रहा था कुछ देर पहले कि ना जो मॉडल होता है बिजनेस मॉडल, वो गवर्नमेंट सब लोग अगर गवर्नमेंट एड से पैसे आ रहे हैं तो इसकी वजह से वो ऑब्लाइज होते ज्यादा, तो गवर्नमेंट की न्यूज ज्यादा दिखाना चाहते, गवर्नमेंट का तरफदारी ज्यादा करना चाहते हैं। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जो जिसके लिए सब्सक्राइबर्स मॉडल भी जो आए हैं बहुत सारे ऑनलाइन जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भी यही मॉडल है एक्चुअली कि वो अपने ऑडियंस से पैसे ले रहे हैं और जो ऑडियंस को चाहिए न्यूज वही दिखा रहे हैं, वो भी कोई अल्टरनेट ओपिनियन नहीं दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे एक्सेप्शंस ऑलवेज है वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि वो अपने ऑडियंस को कैटर कर, उनको पता है कि कौन सा ऑडियंस उसको पैसा दे रहा है और वो अपने ऑडियंस को उसी हिसाब से न्यूज दिखा रहे हैं और वो ऑडियंस भी वही एंजॉय कर रही है। तो एक काइंड ऑफ जो न्यूज है ना हमारे एंटरटेनमेंट ही बना हुआ है, हम न्यूज को एज अ ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं देख रहे हैं, हम न्यूज को ये देख रहे हैं कि हमें जो सुनना है वही हमें सुनना है। आई थिंक इसका पूरी कॉन्वर्सेशन का ब्रीफ ये है कि सेंसरशिप जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इज इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल is not anymore. Now I think the mass media या mass population को जो देखना है that also drives censorship in media. I think that is the gist of it.
सोसाइटी इज ड्राइविंग सेंसरशिप. आई थिंक मेरे हिसाब से तो दैट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड आउट पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग आई हर्ड, कि हम एज अ सोसाइटी ही ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को रेगुलेट कर दो, ये वाली चीज रेगुलेट कर दो, ये वाली चीज रेगुलेट. काइंड ऑफ. तो इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करने की कोशिश करते हैं अपने अपने एक कुछ ब्रीफ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, व्यूज. मुझे लग रहा है कि हम ऐसा आवाज कर रहे हैं जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग सोसाइटी में ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, मेरे को वो, दूसरा बोलता है मेरे को वो नहीं अच्छा लगता. तो हो क्या रहा है कि इवेंचुअली तुम्हारे पास बोलने के लिए ही कुछ नहीं होगा. जब तुम ये बोलते हो कि ये गलत बोल रहे हैं इसलिए इसको, इसकी बात को सेंसर करो, तो परसों को तुम भी गलत बोलोगे. करेक्ट. और ये एक बड़ा इश्यू बन जाएगा जहाँ पे हम ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे और गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और इजीली परसुएड हो जाएंगे, प्रोपेगेंडा प्रोन हो जाएंगे. तो मुझे लगता है कि हमें लाइक थोड़ा और टाइम और एफर्ट खर्च करके अपने ओपिनियंस को मल्टीपल सोर्सेज से इंकल्केट करके बनाना चाहिए. और इसमें सेंसरशिप कम से कम हो तो हमारे लिए बेटर से बेटर होगा मेरे हिसाब से. उसमें तो हम सब एग्री करेंगे. मेरे को क्या लगता है कि सेंसरशिप इन इटसेल्फ, पर्सनल ओपिनियन ऑब्वियसली, कि इस काइंड ऑफ नीड ऑफ द टाइम. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम लोग उस टाइम में लिव कर रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन इज टू यूबिक्यूटस. ठीक है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं. एंड मतलब इंफॉर्मेशन फ्लाइज लाइक एनीथिंग, बहुत ही कंटेजियस है इंफॉर्मेशन. जैसे कोविड के टाइम पे कहते थे कि वायरस से भी ज्यादा फेक न्यूज कंटेजियस है, ऐसे ही क्या फैल जाएगा सोसाइटी में तुम्हें पता नहीं है. तो एक तरीके से उसको कुछ चेक रखने के लिए सेंसरशिप चाहिए हमें कहीं ना कहीं. बट जो टू कर्टेल सच सिचुएशंस, आई थिंक हमें अथॉरिटीज को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए इस सेंस में. बट हमें यह भी चेक रखना होगा कि सेंसरशिप एक टूल ना बन जाए, एक आदत ना बन जाए अथॉरिटीज की, कि सर्टेन सिचुएशंस निकलने के लिए हमें ये यूज करना ही पड़ रहा है, हमेशा का ये बहाना ना बन के रह जाए. और एज अ सोसाइटी भी हमें देखना है कि हम क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उस पर हमारा कमांड ऐसे ना हो कि हम हर चीज का कंप्लेन कर रहे हो हर दूसरे दिन. थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्टिंग होना होगा हमें भी. तो हाँ, लाइक मैं फिर से एक बार ऐड तो करूंगा, बट जो शिवांग ने एनालॉजी दी इसको कंटिन्यू करते हुए, मेरे को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन माइंड वायरस है ही और प्रोपोगेट करता ही है ये, बट सेंसरशिप इज सर्जरी. कि कुछ इतना इफेक्ट हो गया है कि इतना एक्सट्रीम केस में पहुंच गया कि अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, पर सर्जरी हमारा ओनली सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है जो हमें इटसेल्फ, हमें पर्सनल वो लेके कि हम डिजिटल जंक फूड ना खाएं, हम फालतू चीजें कम से कम कंज्यूम करें और अपना खुद का इम्यून सिस्टम अच्छा बनाएं, अलग अलग जगह से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके, ताकि हमें सर्जरी तक पहुंचना ना पड़े. दैट इज व्हाई एंडेड ऑन कि सेंसरशिप जो है ना वो टूल ना बन जाए, ये टूल एक आदत ना बन जाए कि हर चीज से निकलने के सिचुएशन से निकलने के लिए जस्टिफाई करने का हमेशा, कि यही एक तरीका था हमें इसे कंटेल करने का. तो मेरे हिसाब से की क्लोजिंग पॉइंट्स ये हैं अपने के, फॉर रेगुलेटर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्लेटफॉर्म्स हो, they need to be very cautious before they censure. Try to avoid it till the point aapko aisa lag raha hai ki society break hone lag rahi hai is cheez ko censure kare bina. Theek hai, because certain issues need to be resolved by the society themselves. Aap har cheez ko moderate nahi kar sakte ho. You need to allow the society to function, to have conversations, to discuss, to debate, to argue and fight over certain things, not physical fighting, verbal, and let certain conversations take their own course. For individuals, जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, केटर टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग योर ओन ओपिनियन. और एक बार ओपिनियन बन जाए तो थोड़ा सा एक्सेप्टिंग रहो. ऐसे मतलब जब तक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ लाइफ और डेथ सिचुएशन फॉर यू, डोंट बी आउटरेज अबाउट नथिंग. आई रियली डोंट थिंक द कलर ऑफ समबडीज क्लोथ्स मेक्स अ डिफरेंस टू माई लाइफ एज दे डज, राइट? एंड आई डोंट थिंक टू एनीबडी हु फॉलोज माई रिलीजन इट शुड मेक अ डिफरेंस. ठीक है, तो ऐसी चीजों पे यार मत आउटरेज हुआ करो. कोई भी, कोई एमएलए क्या बोलता है, कोई एमपी क्या बोलता है, कोई स्कल कैप पहना आदमी क्या बोलता है, कोई ऑरेंज कपड़ों वाला क्या बोलता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता उससे. एंड थर्ड अननेसेसरी रैंट, बट पंजाब गवर्नमेंट, आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड वर्क, मेरे को रोज एड मत दिखाओ दिन में 10 बार. ठीक है, आप वो पैसे यूज करके और अच्छा काम कर दो पंजाब में, मेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मेरे को नहीं देखना दिन में 10 बार भगवंत मान का चेहरा. Guys, लेकिन अगर आपको आउटरेज है हमारे हमारे पॉडकास्ट पे, इफ यू हैव ओपिनियंस, इसको वायरल करो. तुम्हें इससे तकलीफ भी है, फैला दो इसको वायरल करो, ये जरूरी है. हाँ, यही हेट ही वीडियो फैला दो कि ये कैसे कैसे बातें करते हैं ये लोग. और फिर मिलेंगे संडेज एट 6, फेक न्यूज तो बना दो इस वीडियो को. हाँ, कहीं यही कंटिन्यूस हो जाए. सही है.
चलो कूल, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस एंड वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहां पे हम रील्स डालते हैं।